गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 में पाठ 7 दान का हिसाब, उसका पार्ट 2। कल हम भाग 1 पढ़ा था और आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, हमने पहले यहाँ पढ़ा था दिन में काफ़ी रकम, सन्यासी ने रकम मांगी है, वहाँ तक हमने पढ़ा था कल। आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। क्या बोला उसने? बोला कि मुझे है ना, मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे 1 रुपया दीजिए और उसे दुगना देते हुए 20 दिन तक देते रहे। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभा की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की यह जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा ने आदेश करने राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2-3 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचे हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछ कर सिर खुजला कर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए? भंडारी बोले, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया, मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब करो। भंडारी हिसाब करके बैठ गया। मंत्री महा से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने कहा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए जाए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए। सभी ने उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिश के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा मैं मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही काफ़ी है। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही
दाने हैं। तो बच्चों ये हमने दान के हिसाब वाली कहानी पढ़ी, अच्छी लगी आपको भी? तो बच्चों आज हमने, कल आपने होमवर्क में पेज लिखा था, कौन सा वाला पेज लिखा था, उसके आगे वाला पेज आज हम होमवर्क में लिखेंगे, कल इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आपने कल लिखा था पेज 51 पेज नंबर लिखा था, है ना? तो आज आप 52 पेज नंबर अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।